सिंगना के मोंडा गांव में स्कूल, विहार और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध धंधों पर लगाम लगाने हेतु उप सरपंच रत्नाकर कोराते के नेतृत्व में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गांव में की जा रही अवैध शराब की बिक्री और बाकी अवैध धंधों पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। उप सरपंच और सहयोगियों ने बताया कि उनके गांव में पिछले कुछ समय से चंद लोग अपने घरों में अवैध रूप से शराब बेचते हैं। शराब पीने वाले सार्वजनिक और धार्मिक जगह पर जाकर शराब पीते हैं, वही लोग यहाँ गाली गलौज करते हुए निकलते हैं, जिससे महिलाओं युवतियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, शराबी नशे की हालत में रोजाना लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, जिससे उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। पूर्व में भी गांव की जनता ने इस संबंध में शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर इस विषय में ग्राम पंचायत ठहराव लिया गया और ठहराव के साथ एक ज्ञापन आज हिंगना तहसीलदार को सौंपा गया। अब हिंगना पुलिस इस विषय में क्या कार्रवाई करती है, इसकी उत्सुकता गाँव की जनता में दिखाई दे रही है। हे चार पाच वर्षापासून इनिगल धंदे चालत आहे, शासन याच्यावर कधीच लक्ष देत नाही। हे बंद करासाठी काही लोक लागून आहे, पण कधीच बंद होत नाही। थोड्या कामापुरतंच बंद होते, नंतर ते चालू होते। आणि आता मेंबर साहेबांनी सांगला आहे का हे खरीच गोष्ट आहे, तरी पण आम जे ग्रामपंचायतून ठराव जो दिलेला आहे तर तहसीलदार साहेबांना, PSI साहेबांना देणार, ठाण्यावरही दिला आहे, तरी पण आम्हाला औद्योगिक हे जे दोन नंबरचे धंदे आहे, दारूचा सकाळी दुकान खोलणं, 5 वाजतापासून कोणाचं पोरगं, जे जवान आहे त्याच्यावर परिणाम होत आहे। तरी पण माझी अशी शासनाला विनंती आहे की हे बंद करा आणि याची कृपा करावी, ही विनंती। मला असं वाटते की जे काही अनधिकृतपणे जे काही धंदे व्यवसाय चालू आहे इनलिगली, त्यामध्ये दारूचे आणि ते दारूचे धंदे एकानी केलं तर दुसराही करते, दुसऱ्यांनी केलं तिसराही करते, अशा प्रकारे 4-5 लोक त्या दारूच्या व्यवसायात लागले आहे। आणि त्याच्यामुळे गावात जे शांतता आहे ते भंग होऊन राहिली आहे। आणि जवळजवळ तिथे शाळा, विहार आणि म्हणजे आपले सार्वजनिक ठिकाणं भरपूर आहे, बाया तिथून जातात, अंगणवाडी आहे। आणि ह्या सगळ्या गोष्टीला आळा बसण्यासाठी आम्ही ग्रामपंचायत मधून ठराव पारित करून आम्ही तहसीलदार महोदयांना आम्ही इथे निवेदन दिलं आहे। आम्हाला असं वाटते की आमचं जे निवेदन आहे त्यावर तहसीलदार साहेब ॲक्शन करतील आणि त्यांच्याकडून आम्हाला हीच अपेक्षा आहे। धन्यवाद। NBCN न्यूज के लिए हिंगना से कॅमेरा पर्सन अजित कुंवर के साथ संवाददाता आशीष गोंडा ने।